हेलो गाइस, वेलकम टू बैक मैन अदर न्यू ब्लॉग। तो कल मैं कितना मेडिसिन लेके आई हूँ ये आप लोग से बताऊँगी। जब आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से लेके जब 15 दिन जो होता है बीटा एचसीजी टेस्ट तक, जब मेडिसिन मैं लाई थी वो 20,000 का मेडिसिन था। कल जो मैं मेडिसिन लाई हूँ, मुझे क्या मेडिसिन दिया गया है और कितना मेडिसिन है ये मैं बताना चाहती हूँ। जैसे है, मुझे 15 दिन का मेडिसिन दिया गया है। जब सोनोग्राफी के लिए जाएंगे उस दिन फिर मेडिसिन दिया जाएगा। और ये जो है प्रोजेस्टेरोन जेल है, ये जो कंटिन्यू सुबह शाम दो पुश किया जाता है ये। और मेडिसिन का प्राइस जो है बहुत हाई है, 20,000 का था। बट मैं जो हूँ, मेरा जब ब्लीडिंग हुआ था वो 5 दिन में पुश नहीं की थी, ना ही मैं लोनोपिन का इंजेक्शन ली थी। तो ये जो थे मेरा ये जो था मेरा 5 दिन का बचा हुआ था, इसलिए मैं प्रोजेस्टेरोन जेल 10 दिन के लिए लाई हूँ। लोनोकार्ट उसको ले आई हूँ 2 फाइल। और डूफास्टोन जो है मैं अपोलो से ऑनलाइन ऑर्डर की थी, इसीलिए उसको भी मैं नहीं लाई हूँ। इसलिए मेरा जो है टोटल अमाउंट हुआ है 15,864 रुपीस। मैं यहाँ पे साइट पे लगा दूँगी और एक्स्ट्रा कुछ मेडिसिन भी, बाकी जो मेडिसिन था वो कंटिन्यू है। एक्स्ट्रा एक मेडिसिन है वो फॉलिक एसिड है, और जो है आई थिंक वॉमिटिंग वाला, मुझे वॉमिटिंग नहीं हो रहा है फिर भी मेडिसिन दे दिया गया है। दिखा देती हूँ, ये जो है एस्ट्राडियोल टैबलेट 2 स्ट्रिप 15 दिन के लिए, और एक इंजेक्शन था जो मुझे लगेगा 3 वीक में, एक उसको लेके आ गई हूँ, वो 2 तारीख को लगेगा। और जो है फॉलिक एसिड टैबलेट ये 15 दिन के लिए, और ये एसिडिटी वाला है, और ये एक है ट्रेडिंग सोलन करके कुछ है, सुबह जो एक लेना होता है ये है, और एक कुस्पिन है। तो ये सब मेडिसिन और जो लोनोकार्ट का 2 इंजेक्शन, ये सब मिला के जो है हो गया मेरा 16,000 मान लीजिए, 15,864 रुपीस है। तो ये जो 15 दिन का मेडिसिन, ये भी लगभग 20,000 ही है। बट मैं 10 दिन का नहीं लाई, डूफास्टोन नहीं लाई, इसलिए मेरा जो थोड़ा सा 16,000 हुआ है। बट ये जो है 20,000 का है। पता नहीं ऐसा जो 20,000 कितना दिन चलते रहेगा, हो सकता है 3-4 महीना के बाद कम हो जाए डोज, लग रहा है मुझे ऐसा, बट मुझे पता नहीं। अगर किसी का IVF हुआ है, 2-3 महीना हो गया है, तो प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए आगे का मेडिसिन का खर्चा कितना आएगा। मुझे अभी तक पता नहीं है, बट मैं जो 15 दिन का लाई थी 20,000, अभी जो लाई हूँ 20,000, ये है मेडिसिन का, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का बाद अभी तक का मेडिसिन का खर्चा। तो इतना ही मेडिसिन लेके आई हूँ कल। अगर आपको मेडिसिन को लेके कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोग को रिप्लाई करूँगी। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर वो टॉपिक पे भी वीडियो लेके आऊँगी। फिर मिलते हैं अनादर न्यू ब्लॉग्स में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।